तो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी के, और हमारे YouTube चैनल पर आप सभी भाई का स्वागत है। दोस्तों हम चलती है यहाँ से विजयवाड़ा से, और अभी पहुँचने वाले हैं कृष्णा नदी। कृष्णा नदी को पार करेंगे, उसके बाद पहुँचेंगे चेन्नई। तो चेन्नई के बाद ये जाने वाले हैं मदुरई, मदुरई से फिर ये वहाँ पे स्टॉपेज हो जाएगी, उसके बाद हम जाने वाले हैं रामेश्वरम। और रामेश्वरम में आपको दिखाऊंगा कैसे कैसे मंदिर है, कैसे कैसे वो है। अभी पहले तो आप देखिए कृष्णा नदी। चलो दोस्तों, हम आ चुके हैं चेन्नई इग्मोर जंक्शन। कितना सुंदर जंक्शन है, बहुत बड़ा जंक्शन भी है। तू नाच बीच में। तो गाइस देखो, यहाँ पे पूरा एंजॉय कर रहे हैं महिलाएं। गाइस देखो, हमारे दोनों साथी भी बैठे हैं, ये एंजॉय ले रहे हैं पूरा का पूरा। हाँ हाँ गाइस, फाइनली हम लोग देखो पहुंच चुके हैं, और अभी जाने वाले हैं हम लोग रामेश्वरम। इधर देखो बसें तैयार हैं और पैसेंजर सारे बैठ चुके हैं बसों में। ये देखिए गाइस, पीछे बस खड़ी है ढेर सारी, और कुछ बस निकल भी चुकी है ये देखो। तो दोस्तों पूरे ब्लॉग को देखना, ब्लॉग को बिल्कुल भी मिस मत करना। आज आपको बहुत ही सारी चीज़ें नई नई देखने को मिलेंगी, तो ब्लॉग को तो बिल्कुल मिस मत करो। ठीक है दोस्तों, अभी चलते हैं। और हमारे बीपी मीणा जी भी हो चुके इधर तैयार। देखो बीपी मीणा जी हो गए तैयार, बात कर रहे हैं घर पे। तो ठीक है दोस्तों, बने रहो ब्लॉग के साथ और दिखाएंगे आपको। देखो बीपी मीणा जी अपना बैग लेके निकल चुके हैं इधर, लंबे लंबे पैर धरते हुए रामेश्वरम की तरफ भगवान जी के दर्शन करने के लिए। इधर देखो सूर्य भगवान बहुत तेज जागृत हो चुके हैं, और इधर बस बस चुकी है सारी। ये देखो सारी बसें फुल हो चुकी है। माड़पा मतलब मणक्कम। ये देखो दोस्तों, चल दिए बीपी मीणा जी बैठे हैं। देखो ये रहे, इधर आंटियां बैठी है, सब फुल एंजॉय कर रहे हैं सबके सब यहाँ पे। देखो पूरी बस फुल है। हम चल दिए रामेश्वर मदुरई, रामेश्वर मदुरई बालाजी। गाइस देखो नारियल के पौधे कितने लग रहे हैं। तो गाइस देखो यहाँ पर हम नाश्ता वगैरह करने के लिए रुक चुके हैं। मुझे आगे छींक, और पीछे देखो बस खड़ी है, पैसेंजर लोग खाने लग गए हैं इडली डोसा वगैरह यहाँ पे। और दो तीन बस निकल चुकी है, अभी दूसरी बस आके वो खड़ी हो चुकी है। अभी हमारी भी चलने वाली है यहाँ से, अभी यहाँ से लगने वाले हैं एक डेढ़ घंटा और लगेगा शायद, क्योंकि 11 बजे हमको होटल में पहुँचना है। उसके बाद जाने वाले हैं रामेश्वरम, क्योंकि वो वहीं बिल्कुल पास में ही है होटल, रामेश्वरम जी के पास, वहाँ पर मंदिर के पास ही होटल लिया हुआ है। और ये देखो बस स्टैंड है, देखो दोस्तों पीछे बड़ा रोड है अपने उधर की तरह। और मैंने नाश्ता किया इडली डोसा का, इतना मस्त बनाया था ना किसी ने, बहुत अच्छा। जो बड़े होटल में खाओगे वो अच्छा नहीं बनेगा, लेकिन जैसे छोटे में खाओगे ना, जैसे झोंपड़ी में बनाया रखा था, तो बहुत ही सुंदर लगा, बहुत ही मजा आ गया खाने में। तो ठीक है दोस्तों बने रहो, आज का ब्लॉग तो बहुत मस्त होने वाला है, बिल्कुल भी मिस मत करो। तो गाइस देखो हमारी बस चल रही है समुद्र के बीचों बीच से, दोनों तरफ समुद्र है, इधर भी समुद्र है और इधर भी समुद्र है। देखो बिल्कुल समुद्र के बीचों बीच से चल रही है ये। हाँ हाँ, तो दोस्तों देखो सब लोग देखने के लिए तैयार हो गए, पहले सो रहे थे सब लोग। ये देखो अब आएगा पंबन ब्रिज आ गया दोस्तों, ये है वो पंबन ब्रिज, दोनों तरफ समुद्र है इसके। देखो समुद्र के बीचों बीच से जा रही है अभी, दोनों तरफ समुद्र। ये काम चल रहा है ना ट्रेन का।
तो ये वो ब्रिज है जो उठ जाती है और नीचे से जहाज पर पार करवाए जाते हैं। देखो गाइस देखो फाइनली हमने ले लिया है कमरा इधर और अंबिका होटल है। मैं और दीदी मेरा दिन दोनों बीच के पास है, बीच के बिल्कुल पास नजदीक। मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में, बीच में दिखाने वाला हूं। और ये है हमारा कमरा, उधर बाथरूम देखिए, शानदार बेड है, बैग रख दिए, पंखा चल रहा है, एसी वाला भी है, लेकिन एसी हम नहीं चलाएंगे, हम सिंपल सादा रहेंगे। और इधर है बाथरूम को बड़ा बनाने के लिए। ये देखो सो गया, थक गया जैसे, अभी तो कुछ किया नहीं, ना दर्शन किए ना कुछ किया, भी यहाँ आने परेशान हो गया भाई। हाँ तो मैं भी आपको दिखाऊंगा, चलो बीच आ जाओ दोस्तों। ये देखो इधर देखो दोस्तों, होटल के सामने ही है, बिल्कुल किनारे किनारे है। देखो दोस्तों बहुत ही सुंदर है, शानदार। ये है देखो दोस्तों कितनी सारी बोट इधर खड़ी है, बिल्कुल जस्ट पास होटल के। देखो नीचे बीच है, ये देखो दोस्तों सही लिया है, ये देखो दोस्तों। तो ये है रामेश्वरम और ये है हमारा बड़ा लॉज, देखो दोस्तों। और ये चुके हैं हम रामेश्वरम के पास, बिल्कुल ही अंबिका होटल। परेशान हो गया भाई, हाँ बहुत ज्यादा धूप है ना, इसलिए मंदिर देखो वो रावण पीछे भगवान जी का मंदिर, कौन सा मतलब चार गेट है, पता ही नहीं लगता कौन से निकलते हैं कौन से ऐसे। एक तो वो देखा है मंदिर, एक उधर चार गेट है इसके, एक और पीछे समुंदर है वो रहा। तो दोस्तों ठीक है, और बताएंगे आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।